तो दोस्तों जहाँ पे आपको ये बड़ा पत्थर दिख रहा है ना, ये वाला, वहाँ पे पहले हमारे खेत हुआ करते थे, इसके आगे जहाँ पे नदी बह रही है, और हमारा घर यहाँ पे था बिल्कुल, जहाँ पे खाली खाली दिख रहा होगा। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और भाई मैं अभी तो पुलना गांव में हूँ, और आज जैसे कि मेरी तैयारी हो रही थी गोविंद धाम घांघरे जाने की, और अभी लगभग 2:30 बजने वाले हैं, तो अभी मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ गोविंद धाम घांघरे में। और यहाँ पे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, और आज मौसम भी बढ़िया था, देखिए मौसम बिल्कुल बढ़िया था, कूल था, खुला हुआ था आसमान कुछ ऐसे। और यहाँ पे देखो जो बिल्ली है, जिसके बच्चे पहले हुए थे, फिर से बच्चे होने वाले हैं इसके पेट में, कुछ 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 सो जा, 1-2 दिन में, लगभग 3-4 दिनों के अंदर अंदर हो जाएंगे स्वस्थ। वैसे तो आज भी दिल नहीं हो पा रहा था जाने का गोविंद धाम या चढ़ाई चढ़ने का, इतने सारे ट्रैक करने के बाद ना थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा है, पेट में एक अजीब सी जकड़न सी होती है, वो ऐसा पड़ रहा है, ना खाना खाया जा रहा है ना कुछ, बट वही है भाई, बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा बोरियत आ जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो चल ही लेते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे घोड़ा कर लेंगे, क्योंकि बैग भारी है, या तो बैग पहुँचाऊँगा या तो मैं खुद जाऊँगा अगर दिक्कत होगी, क्योंकि पेट में बहुत जकड़न सी पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको कोई ऐसे जकड़ रहा है, खींच रहा है, ऐसा फील हो रहा है। बाकी धूप, गाँव से जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि इतना खूबसूरत है ये अपना गांव, भाई किसका दिल करेगा, देखो चारों जगह इतने खूबसूरत नज़ारे, अभी ये जो सूरजमुखी के फ्लावर खिले हुए हैं, देखो झरना भी दिख रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन श्री हेमकुंड साहिब में भी भाई वहाँ ना फूल बहुत सारे खिल चुके होंगे, और जो ब्रह्मा कमल है वो बहुत सारे खिल चुके होंगे, तो भाई वो भी अलग ही एक्साइटमेंट है वहाँ पहुँचने की। तो भाई अभी मुझे लेट हो गए 1 घंटा, और सीधा 3:30 बज चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे विधायक जी आए थे, जो केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक थे, तो क्योंकि कई परेशानियाँ पहाड़ों में अभी चल रही है, बहुत चीज़ें पे वो बात कर रहे थे, तो बस मैं भी सुन रहा था और लेट हो गए निकलना। भाई मैं तो ये सोच रहा था कि मैं घोड़े में जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो इंसान ही नहीं दिख रहे, घोड़े क्यों दिखेंगे, क्योंकि यात्रा का समय अब लगभग ऑफ हो चुका है 3:30 बजे। जो घांघरे में रहने वाले घोड़े हैं वहीं रहते हैं, जो पुलना में वो पुलना ही रहते हैं, तो शाम को रात में ट्रैवल नहीं करते, और ऐसे में डर बना रहता है यार, अकेले कहीं जंगल में बाघ भालू दिख गया मुझे तो बड़ी आफत हो जाएगी, अकेला हूँ मैं। तो भाई भिंडार गांव में पहुंच चुके हैं, कुछ दिन पहले ही यहीं पे थे, 2-3 दिन पहले भिंडार गांव से गए थे काकभुसंडी ताल, और अभी हाथी पीक भी दिख रहा है, जो कि वहां से बड़ा पास था, ये देखिए। यहां पे लोकपाल महाराज जी का मंदिर, जो श्री हेमकुंड साहिब में भी है, और यहां पे भी अष्टमी के दौरान पूजा होती है 3 दिनों की, तो यहीं पर पूजा होती है, बाकी बस 1 महीने की बात है, यहाँ पे नंदाष्टमी का कार्यक्रम होगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें पूरे गांव सम्मिलित हुए रहते हैं उस पूजा के दौरान, अष्टमी के दौरान, तो बहुत अच्छा रहता है, और माता नंदा जी का आशीर्वाद मिलता है सभी को, जो भी संगत है यहाँ से आए ना, नंदाष्टमी 24, 25, 26 सितंबर के आसपास है, तो आप नीचे के रास्ते आ सकते हैं, मंदिर पर भी दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करके तो जा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको भी लगेगा जो कार्यक्रम होगा, कुछ देर बैठ के देखेंगे तो आप मज़ा। अभी भी जो है संगत जो है ना श्री हेमकुंड साहिब से आज वापसी गोविंद घाट पुलना पहुंचेंगे आराम आराम से 1-2 घंटे के अंदर अंदर। मौसम इधर बहुत बढ़िया है, देखो बहुत ही खूबसूरत भाई, हम वहां गए, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि अप डाउन 80 किलोमीटर से ज़्यादा हम चले होंगे, वो भी पूरा ऑफ ट्रैक, अभी रास्ता तो ऐसे लग रहा है कि हम गद्दों में चल रहे होंगे, बढ़िया बिल्कुल मज़ा आ रहा है, इन्जॉय। तो दोस्तों जहाँ पर आपको ये बड़ा पत्थर दिख रहा है ना, ये वाला, वहाँ पे पहले हमारे खेत हुआ करते थे, इसके आगे जहाँ पे नदी बह रही है, पहले खेत हुआ करते थे, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ नदी नदी है चारों तरफ, अब पत्थर ही पत्थर, और हमारा घर यहाँ पे था बिल्कुल, जहाँ पे खाली खाली दिख रहा होगा, पूरा यहाँ तक मिट्टी था, खेत थे स्लाइड में, और यहाँ पे गांव बसता था पहले, वो पूरा साफ,
अभी ये पुल देखे, यहाँ से रास्ता है और पूरा यहाँ पे गांव अपना भिंडार गांव बसता था, जो अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरे खेती बाड़ी हुआ करती थी, नदी बहती थी बहुत पीछे यहाँ से, लगभग 20-30 मीटर दूर, और अब नदी इधर बैठी है बीच गांव में। यहाँ तो भाई यहाँ पे ये छत्ते देखे, इतने बड़े बड़े हो रखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छत्ते। इस पे अगर पत्थर लग गया ना तो तीन ही जो भौरे रहते हैं वो इंसान की जान ले सकते हैं। और ये मार्च में देखा होगा आपने, 1-2 ही रहते हैं, जैसी फूलों का टाइम आता रहता है ये बढ़ते रहते हैं। ये तो भाई पहुंच चुके हैं कांजिला हेलीपैड में, और यहाँ पे अपने भाई लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। यहाँ पे देखें क्रिकेट चल रहा है इनका। तो भाई बड़े दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, आधे महीने बाद, और सेम ऐसे ही लगता है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत कांजिला हेलीपैड। और यहाँ आने की खुशी बिल्कुल अलग ही होती है भाई, ऐसे लगता है कि मैं सच में अपने घर पर ही आ गया, क्योंकि यहीं रहना महीनों तक वो बहुत अलग एहसास होता है। बीच बीच में इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि भाई यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ कुछ लोगों की रिक्वेस्ट, तो इसलिए जाता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, घूमना तो मेरा पैशन है, उसी वजह से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। बाकी पहुँचने वाले हैं घांगरे गोविंदधाम, फिर रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। लगभग 3:30 बजे निकले थे, 6:30 बजने वाले हैं, 3 घंटे में आराम आराम से पहुँच चुके हैं घांगरे में, पुलना गांव से। और यहाँ का मौसम अभी खुला हुआ है, देखें बड़ा प्यारा हो रखा है, पूरी शाम ही हो चुकी है। अब जो है धीरे धीरे जो अंधेरा है वो बहुत जल्दी हो जाती है, धूप जल्दी चली जाती है, ठंड का टाइम आता है तो शाम को ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। तो आप जो है यात्रा पे आए तो कपड़े गर्म लेकर के आए शाम के टाइम पे पहनने के लिए। और 15 दिन में इतना बदलाव, यहाँ पे जो टीन शेड है बन चुका है घोड़े के लिए, ये देखिए। कितना खुला खुला लग रहा है यहाँ पे, ये। तो भाई पहुंच चुके हैं यहाँ ऑफिस में, और यहाँ पे अखिलेश बैठा हुआ है, कैसा है भाई? बढ़िया भाई, कैसा और? ट्रिप बहुत बढ़िया। और संतोष ऐसे क्या देख रहा कैमरे में, पहली बार देख रहा कैमरा है? संदेश भाई पहली बार देख रहे कैमरा लगता है, एक काफी दूर दराज गांव से है दोस्तों, वहाँ मतलब अभी मोबाइल नेटवर्क कुछ भी, ये इंसानों को देख के पागल हो जाते हैं, जैसे इंसान को देखते हैं गाड़ियों को देख करके बौखलाना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट तो पिछली बार पहुंची उनके गांव में है, इस बार बस आई इनके गांव में पहली बार, और उसके बाद सीधा रोड ही टूट गई। और जब इसने फर्स्ट बार मोबाइल को देखा था तो इसने पहली बार मुझे क्या बोले, ये कौन सा यंत्र है? वो यंत्र बिल्कुल भाई, इनके यहाँ इसने चॉकलेट तो नहीं समझा मोबाइल को, फैक्ट्री मतलब यहाँ क्या क्या नाम है, घांगरे, घांगरे में इनकी मोबाइल की फैक्ट्री लगी हुई है, और क्या क्या बस। तो भाई आजकल ऐसा खाली खाली सा माहौल है इधर गोविंद धाम में, देखिए ऐसा लग रहा। आज खैर गांव वाले मीटिंग में भी गए हैं पुलना गांव में, जो विधायक जी आए हैं केदारनाथ धाम के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गांव से रिलेटेड, तो इस वजह से तो भाई नाइट लाइफ घांगरे गोविंद धाम की कुछ ऐसी यहाँ पे देखें। और भाई फिलहाल ना आज तो इतना ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, मेरे पेट भी दर्द हो रहा था आज इतने दिनों के बाद चलने के बाद। फिलहाल आज छोटा सा ब्लॉग था, और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल आपको गोविंद धाम में ही घुमाएंगे पूरा, और फिर परसों देखता हूँ श्री हेमकुंड साहिब जाने की सोचूंगा। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।